हरियाणा प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है, तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का जोश भी फुल हाई नजर आ रहा है, तो ऐसे में बात की जाए बाल्डा हल्के की, जो कि हरियाणा प्रदेश में सबसे चर्चित और सबसे हॉट सीट बनी हुई है। हॉट सीट इसलिए क्योंकि इस सीट के ऊपर 60-60 दावेदार कांग्रेस की टिकट के लिए हैं। हमारे साथ खास बातचीत में एक महिला उम्मीदवार हैं, जो कि अविवाहित हैं और कहीं ना कहीं राजनीति इनके लिए नई जरूर है, लेकिन नया नया राजनीति में होते हुए भी पहली बारी में ही फाइनल पैनल में अपनी जगह बना ली। बहन बबीता बालडा खास बातचीत में है। बालडा हल्के में लगातार गांव गांव जा रही है, हर घर तक आप पहुंचे, हर व्यक्ति से आप मिले, क्या चाहती है बालडा की जनता? सबका बहुत ही, माताओं का, बहनों का, चाचा ताऊओं का, युवा भाइयों का बहुत ही प्यार मिल रहा है और जनता चाहती है परिवर्तन, और परिवर्तन ला सकती है केवल कांग्रेस सरकार। तो कहते हैं कि आप कांग्रेस से टिकट लेके आइए और हम आपको विजयी बना के निकालेंगे। बात की जाए महिला उम्मीदवारों की, सुनने में आ रहा है कि बालडा को रिजर्व सीट किया जा सकता है, महिला उम्मीदवार के लिए इसको छोड़ा जा सकता है, तो क्या मान के चले बहन बबीता बालडा टिकट लेके आ रहे हैं, क्योंकि आपका नाम फाइनल पैनल में चल रहा है? हरियाणा के लोग जितने हैं ना, बेटियों को लाड प्यार से रखते हैं, ऐसे ही मुझे प्यार प्रेम मिल रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी ने मुझे कहीं ना कहीं टिकट दी तो मैं ये बोल रही हूँ कि जनता बहुत ही प्यार प्रेम देगी और मेरे को विजयी बनाएगी। शादी नहीं करवाई, लगातार समाज सेवा के कार्यों में जुटे रहते हैं, अपना आप एक फाउंडेशन एनजीओ चला रहे हैं, समाज सेवा तो वैसे भी चल रही थी, राजनीति में आके क्या परिवर्तन करना चाहते, क्या बदलना चाहते? लोगों की डिमांड है, मांग है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो समाज सेवा के साथ राजनीति में आए और हमारी सुने और आगे तक पहुँचाए। कौन सा ऐसा मुद्दा है जो आपके मन में घर कर गया कि बालडा में इस मुद्दे का अब तक समाधान हो जाना चाहिए था? कौन सी ऐसी चीज है जो आपके मन में टिक कर गई? आप ये बोल रहे हो कौन सा मुद्दा है, आप ये पूछो कौन सा मुद्दा है नहीं, जिस पे लोग शोषित नहीं हो रहे, लोग रो नहीं रहे। राजनीति में आने के बाद नेताओं के सुर बदल जाते हैं, राजनीति में आने के बाद जिनको पावर हाथ लगती है, जिनको कुर्सी मिलती है, उनका एक एटीट्यूड बदल जाता है। मैंने संघर्ष देखा है, मैं एक किसान की बेटी हूँ, लोगों को भी भरोसा दिलाती हूँ कि मैं एक किसान की बेटी हूँ, मैं कभी बदलने वाली नहीं हूँ कि भाई आगे जाके पारिवारिक राजनीति नहीं है। मैंने संघर्ष देखे अपने जीवन में। बंसीलाल परिवार से आपकी नजदीकियां बताते हैं, रणवीर महेंद्रा, चौधरी अनिरुद्ध, सभी से जो आपका खास संबंध है, तो क्या मान के चले, क्या बंसीलाल परिवार टिकट के मामले में आपका सहयोग करने वाला है? हमारा चौधरी रणवीर सिंह महेंद्रा भाई, अनिरुद्ध चौधरी, उनके साथ पारिवारिक संबंध है। आप बात कर रहे हो सहयोग की, आशीर्वाद जरूर मिलेगा और वो हर जोन का कार्यकर्ता मेहनत करता है, उनको सबको किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, तो वहाँ से जरूर आशीर्वाद मिलेगा। गंगा की कसम, यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, रावी की रवानी बदलेगी, सतलुज का मुहाना बदलेगा, कुछ तुम बदलो, कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदलें, तभी तो जमाना बदलेगा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर, मैं प्रिंस लांबा, मेरे से जुड़े सिंधु के साथ। हरियाणा प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है, तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का जोश भी फुल हाई नजर आ रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस से टिकट मांगने वालों की भी लंबी चौड़ी फहरिस्त है। ऐसे में बात की जाए बालडा हल्के की, जो कि हरियाणा प्रदेश में सबसे चर्चित और सबसे हॉट सीट बनी हुई है। हॉट सीट इसलिए क्योंकि इस सीट के ऊपर 60-60 दावेदार कांग्रेस की टिकट के लिए हैं। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत में एक महिला उम्मीदवार हैं, जो कि अविवाहित हैं और कहीं ना कहीं राजनीति इनके लिए नई जरूर है, लेकिन नया नया राजनीति में होते हुए भी पहली बारी में ही फाइनल पैनल में अपनी जगह बना ली है, यानी कि टॉप पर इनका नाम है, टिकट के दावेदारों में चल रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार अपनी नीतियों से लोगों को अवगत करवा रही है, अपने नेताओं को डायरेक्शन दे रही है कि युवाओं को मौका दिया जाएगा, नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, और हरियाणा प्रदेश में लगभग सभी सीटों के ऊपर इस बार फेरबदल देखने को मिलेगा, तो ऐसे में बालडा की जनता भी उम्मीद कर रही है, बालडा के नेतागण भी उम्मीद कर रहे हैं कि यहां पर भी बदलाव देखने को मिलेगा। नए चेहरे हैं, महिला उम्मीदवार है, और विशेष बात यह है कि अविवाहित है, तो ऐसे में चर्चा करेंगे कि शादी करवा कर कहीं ना कहीं अपना जो अच्छा खासा जो काम धंधा चल रहा है उसको सेट करते, क्या जरूरत पड़ी राजनीति में आने की, और अब राजनीति में आ भी गए हैं तो बालडा हल्का आखिर चाहता क्या है। बहन बबीता बालडा खास बातचीत में है।
बहन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। प्रिंस भाई बहुत स्वागत है और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम भाई। सबसे पहला सवाल तो यही पूछेंगे, बालडा हल्के में लगातार गांव-गांव जा रहे हैं, हर घर तक आप पहुंचे, हर व्यक्ति से आप मिले, क्या चाहती है बालडा की जनता? हम घर घर जा रहे हैं, सब सबका बहुत ही, माताओं का, बहनों का, चाचा ताऊओं का, युवा भाइयों का बहुत ही प्यार मिल रहा है और जनता चाहती है परिवर्तन, खासकर युवा भाई, युवा जनरेशन है जो परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन ला सकती है केवल कांग्रेस सरकार। तो कहते हैं कि आप कांग्रेस से टिकट लेके आइए और हम आपको विजयी बना के निकालेंगे। महिला उम्मीदवार हैं आपके अलावा और भी कई महिला उम्मीदवार बालडा से हैं, तो ऐसे में बात की जाए महिला उम्मीदवारों की, सुनने में आ रहा है कि बालडा को रिजर्व सीट किया जा सकता है महिला उम्मीदवार के लिए, इसको छोड़ा जा सकता है, तो क्या मान के चले बहन बबीता बालडा टिकट लेके आ रहे हैं क्योंकि आपका नाम फाइनल पैनल में चल रहा है? सबसे पहले तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा नाम फाइनल लिस्ट में पैनल में चल रहा है। दूसरी बात, मैंने देखा अपने जीवन में देखा है कि मैं सोशल वर्क किया है तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जैसे कि राजनीति की जगह जगह ज़रूरत पड़ती है, तो कहते हैं कि आप बबीता बहन जाइए और टिकट लेके आइए, वो भी कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि कहीं ना कहीं विश्वसनीय है कांग्रेस पार्टी लोगों के लिए, तो हम आपको ज़रूर सहयोग करेंगे और आपको यहाँ से विजयी बनाएंगे। क्या मान के चलें बहन बबीता बालडा जो चुनाव की तैयारी कर रही हैं, राजनीति में नए हैं, किस तरीके से जो पुराने घाक लोग हैं, जो बड़े बड़े धुरंधर अपने आप को मानते हैं, उनसे मुकाबला करेंगे? ये देखिए, अपने हरियाणा में एक बात कहते हैं कि मतलब पूरे देश में मानी जाती है कि लड़कियों को है ना हरियाणा में खासकर लेडीज़ों को पर्दे के पीछे रखा जाता है। मैं ये मानती हूँ कि हरियाणा के लोग जितने हैं ना बेटियों को लाड प्यार से रखते हैं, अगर वो बेटी जैसे विनेश फोगाट को लगा लो तो बहुत ही ऐसे ही मुझे प्यार प्रेम मिल रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी ने मुझे कहीं ना कहीं टिकट दी तो मैं ये बोल रही हूँ कि जनता बहुत ही प्यार प्रेम देगी और मेरे को विजयी बनाएगी। अविवाहित हैं, शादी नहीं करवाई, लगातार समाज सेवा के कार्यों में जुटे रहते हैं, अपना आप एक फाउंडेशन एनजीओ चला रहे हैं जिससे आप समाज सेवा के क्षेत्र में अलग अलग तरीके से समाज में अपनी भागीदारी का निर्वहन कर रहे हैं, तो राजनीति में आना जरूरी क्यों समझा आपने? समाज सेवा तो वैसे भी चल रही थी, राजनीति में आके क्या परिवर्तन करना चाहते, क्या बदलना चाहते? मैं राजनीति की आप बात कर रहे हो, मैं ये बोल रही हूँ बहुत से सोशल मुद्दे आते हैं मेरे, जैसे मैं गरीब बच्चों को पढ़ाती हूँ, कई मुद्दे हैं खासकर महिलाओं को लेकर, मैं यहाँ सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी उसकी सदस्य हूँ, कहीं नहीं सुना जाता और खासकर बीजेपी सरकार में तो कोई भी नहीं सुनता। तो लोगों की डिमांड है, मांग है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो समाज सेवा के साथ राजनीति में आए और हमारी सुने और आगे तक पहुँचाए, और कांग्रेस सरकार में मतलब बदलाव चाहते हैं तो वो बदलाव में बीजेपी तो है ही, कांग्रेस सरकार आती है तो बदलाव होता है, तो लोगों की डिमांड है, इस कारण मैं राजनीति में आई हूँ भाई। कौन सा ऐसा मुद्दा है जो आपके मन में घर कर गया कि बालडा में इस मुद्दे का अब तक समाधान हो जाना चाहिए था लेकिन उस मुद्दे का आज तक समाधान नहीं हो पाया, पिछले कई वर्षों से वो मुद्दा जो का त्यों पड़ा है, जनता परेशान है, त्रस्त है, कौन सी ऐसी चीज है जो आपके मन में टिक कर गई कि हाँ हमें अगर मौका मिलता है हम प्रतिनिधित्व करते तो उसको सबसे पहले महत्व देंगे, प्राथमिकता देंगे? आप ये बोल रहे हो कौन सा मुद्दा है, आप ये पूछो कौन सा मुद्दा है नहीं जिस पे लोग शोषित नहीं हो रहे, लोग रो नहीं रहे, बेरोजगारी का लगा लो, किसान रो रहे हैं, महिला आपने देखा वो एक पूरे भारत की भी बात है, वो बालडा की भी, वो हरियाणा की भी है, जहाँ पे मतलब है ना जनता को बिल्कुल किसी मतलब यूँ हो रही है कि कोई ऐसा परिवर्तन हो कि हमारी सुनी जाए, मतलब एक कुछ मुद्दे हैं जो हाईलाइट हो रहे हैं गाँव में ब्लॉक स्तर पर, ऐसे दबे हुए मुद्दे हैं कि कोई सुनी नहीं रहा, तो मैं चाहती हूँ कि मैं राजनीति में आऊँ और मतलब लोगों की जो समस्या है उनको आगे लेके जाऊँ, बहुत सारे मुद्दे हैं। बबीता बालडा लगातार मैदान में उतरे हुए हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन राजनीति में आने के बाद नेताओं के सुर बदल जाते हैं, राजनीति में आने के बाद जिनको पावर हाथ लगती है, जिनको कुर्सी मिलती है, उनका एक एटीट्यूड बदल जाता है, तो जनता किस तरीके से भरोसा करे कि बबीता बालडा जो है वो नहीं बदलेंगी, जो आज हैं वो वैसी ही रहेंगी अगर पावर मिल जाती है, अगर कुर्सी मिल जाती है, अगर कलम की ताकत इनको मिल जाती है? देखिए भाई, मैंने संघर्ष देखा है, मैं एक किसान की बेटी हूँ,
मैं, मेरे को ये पता है कि एक किलो दूध कैसे बनता है और वो कैसे आता है। मैं सुबह 4 बजे उठ के भैंसों को चारा भी डालती हूँ, मैंने पढ़ाई भी की है, मैं पूरी PhD कर रही हूँ अभी। लेकिन है ना, लोगों के जो मुद्दे देखे हैं ना, मतलब लोग शोषित हो रहे हैं। क्या करते हैं लोग, पढ़ लिख के अपना खुद का रोजगार ढूंढते हैं और सेटल हो जाते हैं। लेकिन एक टीस थी मन में कि मैं सोशल सेवा की, अब मेरे को पता चला है कि मैं है ना भाई कुछ ऐसा करूं जो सबसे अलग हो। और अविवाहित हूँ, जो ऊर्जा मेरी मतलब गृहस्थी जीवन में लगनी चाहिए थी ना, वो मैं यहाँ राजनीति में आकर या सोशल सेवा करके कुछ, तो मैं लोगों को भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि मैं हर समस्या का समाधान करूँगी। जो राजनीति में ना होते भी कर रही हो ना, तो राजनीति में आने के कारण तो, और ख़ासकर कांग्रेस पार्टी से लोगों की उम्मीद जुड़ी हुई है, काम होते हैं लोगों के, तो मैं सबको जो अगर मेरे को कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो मैं उनको ये यहाँ से ये सीट है ये निकाल के दूँगी, भरोसा दिलाती हूँ हाईकमान को और लोगों को भी भरोसा दिलाती हूँ कि मैं एक किसान की बेटी हूँ, मैं कभी बदलने वाली नहीं हूँ कि भाई आगे जाके पारिवारिक राजनीति नहीं है। मैंने संघर्ष देखे अपने जीवन में। तो बबीता जी क्या लगता है, बंसीलाल परिवार से आपकी नज़दीकियाँ बताते हैं, रणवीर महेंद्रा चौधरी अनिरुद्ध सभी से जो आपका खास संबंध है, तो क्या मान के चले, क्या बंसीलाल परिवार टिकट के मामले में आपका सहयोग करने वाला है, क्या मान के चले, जिस तरीके से आपका नाम टॉप पर बना हुआ है तो उसमें बंसीलाल परिवार का भी योगदान माने? देखिए, बंसीलाल परिवार से हमारे 15-20 सालों से, एक तो मैं चौधरी बंसीलाल की विचारधारा से बहुत प्रभावित हूँ, वो एक वास्तव में सच्चे और ईमानदार व्यक्ति थे। दूसरा, हमारा चौधरी रणवीर सिंह महेंद्रा भाई अनिरुद्ध चौधरी, उनके साथ पारिवारिक संबंध है। आप बात कर रहे हो सहयोग की, आशीर्वाद जरूर मिलेगा और वो हर जो उनका कार्यकर्ता मेहनत करता है उनको, सबको, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, तो वहाँ से ज़रूर आशीर्वाद मिलेगा। तो ये जो 15-20 साल का पुराना रिश्ता है, क्या मान के चले एक महत्वपूर्ण योगदान में तब्दील होगा इस बार? हाँ, वो उनका प्यार प्रेम उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, जरूर सहयोग होगा। मान लीजिए अगर महिला रिजर्व सीट कांग्रेस की तरफ से होती, जिस तरीके से चर्चाएं चल रही है राजनीतिक गलियारों में, सियासत कहीं ना कहीं गर्म है इस मामले पर कि कहां कहां से महिला उम्मीदवारों को उतारा जाना चाहिए, तो बालड़ा का नाम भी उसमें चल रहा है, तो अगर आपको मौका मिल जाता है तो क्या समीकरण देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं कि हाँ हमें अगर टिकट मिलती है तो हम चुनाव जीत जाएंगे? देखिए, बालड़ा एक तो सेंटर का गाँव है, मैं बालड़ा की ही बेटी हूँ। दूसरा, यहाँ पे लगभग 15,000 वोट हैं। और एक तीसरा कारण है कि बेटी नुकाया करें कि भाई छोरी के नाम की भावनात्मक लोग बहुत ज़्यादा हुए हैं। दूसरा है विवाहित, अगर भाई छोरी जा कित गई मारे खतर करेगी, हरियाणवी कहावत है। और तीसरा 15,000 का पता है, मैं 15,000 वोट हैं, 36 बिरादरी का प्यार मिल रहा है मुझे। और पांचवा कारण है कि मैं लोगों के बीच रहती हूँ, लगभग पिछले 10 साल से 8 से 9 घंटे लोगों के बीच रहती हूँ, वो कोई भी सोशल वर्क हो, तो मेरे को लग रहा है समीकरण बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी अगर मुझ पर भरोसा जिताती है और टिकट देती है तो मैं टिकट ये 100% उनको निकाल के दूँ। क्या मान के चले, रास्ता आसान है, डगर इतनी आसान है, क्योंकि आपके सामने बड़े बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं, कई ऐसे नेता हैं जो पूर्व में विधायक रह चुके, तो क्या मान के चले आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी वास्तविकता में उन लोगों को नज़रअंदाज करके, उन लोगों को साइड करके बहन बबीता बालड़ा पर भरोसा जताएगी? आप भाई जिनका जिक्र कर रहे हो उन पे भी तो जनता भरोसा जताती है ना, तो अगर जनता चाहेगी, पार्टी को पता है जनता जिसको प्यार प्रेम देगी तो जनता हमारे साथ है और पार्टी पर भरोसा है और टिकट मिलेगी तो हम यहाँ से विजयी होकर निकलेंगे। क्या क्या मान के चले कि अगर टिकट नहीं मिलती, मान लीजिए 1% टिकट नहीं मिलती, वैसे तो आपका नाम जहां तक चर्चाएं हैं आपका नाम टॉप पे चल रहा है, अगर टिकट नहीं भी मिलती है तो क्या रुख रहेगा, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढेंगे, किसी दूसरे दल से टिकट लेके आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, 100% इरादा है आपका? देखिए, अगर टिकट नहीं मिलती है तो भी मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ और पूरा दमखम दिखाऊंगी। मेरे राजनीतिक गुरु चौधरी रणवीर सिंह महेंद्रा और भाई अनिरुद्ध चौधरी जो भी मेरे को ड्यूटी देंगे, जिम्मेवारी देंगे, मैं बेखूबी बड़े दिल से निभाऊंगी और जो भी यहाँ से टिकट प्रत्याशी होगा उसका दिलो जान से साथ देंगे और कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाएंगे। तो आप ये मान के चल रहे हैं कि वास्तव में कांग्रेस यहाँ से जीतने वाली है,
आपको इतना आसान मुकाबला लगता है कि बीजेपी यहाँ टक्कर में नहीं आ पाए? क्योंकि मान के नहीं चल रही, यहाँ की जनता उब चुकी है बीजेपी सरकार से, किसी भी कोई भी तो काम नहीं किया ना, हर मुद्दे पे परेशान है। तो यहाँ से 100% कांग्रेस पार्टी की जीत है। और मैं अपनी दो लाइनों के साथ वो देना, गंगा की कसम यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, रावी की रवानी बदलेगी, सतलुज का मुहाना बदलेगा। कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदलें, तभी तो जमाना बदलेगा। धन्यवाद प्रिंस भाई जी। भाई जी, एक आखिरी सवाल रहेगा चलते चलते, पिछली बार नैना चौटाला यहाँ से जीती, वो भी एक महिला थी, आप भी एक महिला उम्मीदवार हैं, तो क्या लगता है पिछली बार जिस तरीके से नैना चौटाला पर, जबकि वो बाहरी उम्मीदवार थी, उन पर बाड़ा की जनता ने इतना जो है प्यार लुटाया, इतना समर्थन उनको दिया और उनको विजयी बनाया, तो इस बार क्या लगता है बाड़ा की एक बेटी जो चुनावी मैदान में है, बाड़ा की एक बेटी जो फाइनल में चल रही है, टॉप पर चल रही है, उसको जनता उसी तरीके से प्यार प्रेम देगी, उसी तरीके से समर्थन मिलेगा लोगों का जैसे पिछली बार नैना चौटाला को? देखिए, हमारे यहाँ हरियाणा के लोग हैं ना, वो महिलाओं के प्रति भावनात्मक होते हैं, तो उन्होंने भावना में बह के श्रीमती नैना चौटाला जी को बनाया था, लेकिन वो उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरे। वो तो ये बेटी तो उनके साथ रहती है 7-8 घंटे, तो मेरे को उम्मीद है कि मतलब अगर जनता, पहले तो कांग्रेस पार्टी मेरे को टिकट देती है तो जनता मेरे को विजय बनाएगी और मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगी और उनके साथ रहूंगी जी। बबीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, आपने कीमती समय दिया। धन्यवाद प्रिंस भाई। तो हमारे साथ बहन बबीता बाड़ा मौजूद थी, कांग्रेस पार्टी से टिकटार्थी हैं और कहीं ना कहीं टिकट की दौड़ में टॉप पर इनका नाम बना हुआ, फाइनल पैनल में इन्होंने जगह बना ली है। जो हमारा सोर्स निकला है, जो हमें इनपुट मिली है, वो यही है। और ऐसे में कहना कि एक चर्चा ये भी चल रही है लगातार कि बाड़ा से महिला उम्मीदवार को कांग्रेस इस बार उतार सकती है, क्योंकि कांग्रेस भी जानती है कि अगर जिस सीट के ऊपर 60-60, 50-50 दावेदार हैं, तो ऐसे में वहां पर मुकाबले को खत्म करने के लिए महिला उम्मीदवार को उतारा जाए, तो कहीं ना कहीं हम सब लोग मिलकर जो उस कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चर्चाएं तेज है, सियासी गलियारों में ये बात तेजी से फैल रही है कि बाड़ा रिजर्व सीट हो सकती है महिलाओं के लिए, यहां पर महिला कैंडिडेट अगर आती है तो वो वास्तविकता में जीत भी सकती है। ऐसे में कहीं ना कहीं बबीता बाड़ा से बातचीत की, इनका साफ कहना है कि हम चुनाव लड़ेंगे अगर पार्टी टिकट देती है, और चुनाव लड़कर ये सीट भी कांग्रेस की झोली में डालने का काम करेंगे, अन्यथा कहीं ना कहीं इनका इशारा साफ है कि हमारे जो राजनीतिक गुरु हैं चौधरी रणवीर महेंद्रा और अनिरुद्ध चौधरी, वो हमारी जो भी जिम्मेवारी लगाएंगे तो उस हिसाब से हम जो है अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करने का काम करेंगे। तो इनकी बातों से आप कितना सहमत, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर रख दीजिए कि अगर बाड़ा में एक बेटी चुनाव में उतरती है तो क्या वास्तव में ही 2019 की तरह 2024 के इस चुनाव में, इस मुकाबले में फिर बाड़ा की बेटी बाजी मार सकती है, चुनाव जीत सकती है या नहीं, अपनी राय जरूर लिख दीजिए। इन सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, मेरे से युवनेश सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।